सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। अखिलेश यादव के तिरंगा यात्रा पर दंगा फैलाने की टिप्पणी को लेकर भाजपा प्रवक्ता ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि तिरंगे के साथ दंगा जोड़ना दुर्भाग्यपूर्ण होगा और साथ ही अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की। वही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए उन्होंने कार्यकाल में होते रहे दंगों की याद सताने की बात कही है। वही प्रवक्ता ने यह भी कहा कि योगी राज में आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त है। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। तिरंगे के साथ दंगे का नाम जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अखिलेश यादव को अपने इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए कि वो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जिसके साथ एकात्मता का भाव जुड़ता है, जो किसी जाति का नहीं, किसी पंथ का नहीं, किसी मजहब का नहीं, किसी वर्ग का नहीं, बल्कि पूरे संपूर्ण भारतीयों के लिए स्वाभिमान का प्रतीक बनता है, उस तिरंगे के साथ वो दंगे जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी को रह रह करके अपने कार्यकाल के दंगों की याद सताती है कि अपने कार्यकाल में कैसे पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले में उन्होंने दंगा फैलाने का काम किया था, दंगाइयों को बचाने का काम किया था, लेकिन आज दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश उनसे देखा नहीं जा रहा और इसीलिए दंगे की याद आ रही है। लेकिन तिरंगे के साथ दंगे को जोड़ना ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अखिलेश जी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। तिरंगे खबर लखनऊ से है, जहां समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य जनेश्वर मिश्रा की आज 90वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क में स्थापित जनेश्वर मिश्रा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया और साथ ही कहा कि जनेश्वर मिश्रा की समाजवादी विचारधाराओं को आगे ले जाने का जिम्मा हमारा है और हम समाजवादी पार्टी के लोग जनेश्वर मिश्रा की जो विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीच में संघर्ष करके उनको मान सम्मान मिले, उनको जहां समाज में पीछे छूट गए थे उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए। छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्र जीवन भर संघर्ष करते रहे और उन्हीं के सिद्धांतों पर चल करके आज समाजवादी पार्टी यहां पहुंची है। हमें कई प्रतिष्ठित शिविर सम्मेलनों का याद है जहां लोग इंतजार करते थे कार्यकर्ता नेता के आखिरकार। गाजियाबाद में आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में गाजियाबाद के आरटीओ विभाग में अधिकारियों ने विभाग में आने वाले लोगों को झंडे का वितरण किया। बता दें आरटीओ विभाग ने गाजियाबाद में कुल 7500 झंडे वितरण करने का लक्ष्य रखा। वहीं 15 अगस्त को एक वाहन रैली निकाली जाएगी जिसमें देशभक्ति का संदेश दिया जाएगा और उसके बाद 2500 पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे 75 वर्ष पूरे होने पे हम लोगों ने 7500 झंडे वितरण का लक्ष्य रखा गया है। ये झंडा वितरण मुख्यतः जो हमारे ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदक होंगे, वहाँ स्वामित्व परिवर्तन के आवेदक होंगे, यानी उसी के संदर्भ में जो लोग कार्यालय आए हुए हैं, परमिट के काम से जो आए हैं, फिटनेस के कार्य से जो आए हुए हैं, साथ में ओटीएस स्कीम के जो भी आवेदक होंगे, उन लोगों को झंडे का वितरण किया जा रहा है। 75वें वर्ष में सभी देशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई। यह सभी की एक राष्ट्र के प्रति जो है कर्तव्य है कि हम सबके अंदर राष्ट्र की भावना, देश के प्रति सेवा भाव यह जो है जागृत करें। उसी के अंतर्गत संभागीय परिवहन कार्यालय गाज़ियाबाद कार्यालय में आने वाले सभी आवेदकों को 7517 तारीख तक जो कार्यक्रम चलेगा 11-17 तारीख तक 7500 झंडों का वितरण करने का। भारत नेपाल की सुनौली सीमा पर तैनात एसएसबी की 22वीं बटालियन सीमा चौकी पर भाई बहन के अटूट प्यार के प्रतीक माने जाने वाले पवित्र पर्व रक्षाबंधन को देखते हुए महिलाओं और स्कूली छात्राओं ने एसएसबी जवानों की कलाइयों में राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया और जवानों से देश की सुरक्षा का वचन लिया। वहीं इस दौरान आजादी के 75वीं वर्षगांठ के मौके पर हर घर तिरंग अभियान को लेकर हर घर तिरंगा फहराने का भी संकल्प लिया गया। विगत कई वर्षों से रक्षाबंधन का त्योहार
सैनिक भाइयों के बीच में आके हम लोग अपने लोगों को लाके यहाँ बांटते हैं। बच्चियाँ भी हमारे साथ आती हैं क्योंकि ये रक्षाबंधन का ऐसा त्यौहार है, भाई बहन का बहुत पुनीत पर्व है और जो हमारे देश का रक्षा करते हैं वो सब हमारे भाई हैं। तो और ये भाई लोग किसी भी त्यौहार में अपने घर पहुँच नहीं पाते हैं, उनको बहनों की कमी न महसूस हो, इसलिए विगत 20-25 साल वर्षों से मैं आती हूँ लोगों को साथ यहाँ पे। और सबसे खुशी की बात है यहाँ बॉर्डर पे नेपाल के भी भाई लोग यहाँ पे आते हैं, उन लोगों को भी मैं राखी बांधती हूँ। बुलंदशहर के सियाना से बुलंदशहर मार्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वीडियो में दर्जनों छात्र अपनी जान को जोखिम में डालकर झंडा लिए भारत माता की जय करते हुए चलती बस की छत पर खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से फराटे काटती इस बस की छत पर क्षमता से ज्यादा यात्री बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में पुलिस और आरटीओ विभाग की लापरवाही साफ उजागर हो रही है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में बीते दिनों महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में फरार चल रहे आरोपी ने महिला के परिवार वालों को धमकी दे रहा है, जिसके बाद महिला के परिवार वालों ने एसएसपी और डीआईजी से मामले की शिकायत की। जो रूबी है ना हमारी भतीजी जुम्मा, उनका मैटर चल रहा है शादी का, उन्हें छोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं करा, दूसरी शादी लिए करके अब उन्होंने केस कर दिया अदालत में इंसाफ के लिए। तो अब उसके लिए फैसला बनवाया जा रहा है, ये फैसला दबाव बनाया जा रहा है कि फैसला कर देना, ये हम उनके परिवार वाले हैं कि दबाव बनाया जा रहा है कि फैसला कर दें ना तो तुम्हें जेल भिजवा देंगे। हमारी झूठी मुकदमे लिखवा रहे हैं जहाँ था और वो कर रहे हैं, हमारा मुकदमा लिखा हुआ वो उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट के द्वारा सनातन धर्म की पढ़ाई कराए जाने के फैसले पर अब सियासत शुरू हो गई है। साथ ही महामंडलेश्वर के द्वारा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की भी मांग की गई, जिस पर पलटवार करते हुए मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा से सपा विधायक जियाउर रहमान बर्क ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज शुरू करने की मांग उठाई है। मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खैर में छात्री राम में वहाँ छात्र संघ के अंदर कैबिनेट और बाई एक्टिंग बाई प्रेसिडेंट और एक्टिंग सेक्रेटरी भी रहा हूँ मैं वहाँ पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है जिससे कि सिर्फ अलीगढ़ का नाम रोशन नहीं होता बल्कि पूरे देश का नाम रोशन होता है पूरी दुनिया के अंदर। इसके अलावा ये और करने की कोशिश कर भी क्या सकते हैं, अरे तुम्हें करना है अगर कुछ करना चाहते हो तो एक अलग से यूनिवर्सिटी दो, और कौम को आवाम को देश को अलग से यूनिवर्सिटी दो मेहनत कर करके। तुम ये जो यूनिवर्सिटी बनाई हुई है ये किसी के रहम करम पे यूनिवर्सिटी नहीं बनी, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे हमारे सर सैयद अहमद खान साहब ने, उन्होंने अपनी दिन रात एक कर करके खून पसीने एक करके जो मेहनत और मशक्कत के बाद में उस वक्त जिस वक्त एजुकेशन को कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी जाती थी उन्होंने उस वक्त इस यूनिवर्सिटी को खड़ा किया था। खबर अमेठी से है जहां नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विगत 8 जुलाई को कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें अमेठी और सुल्तानपुर जिले के कुल 80 छात्र उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें से एक ही स्कूल के 8 बच्चों के उत्तीर्ण होने पर प्राचार्य नवोदय विद्यालय को शक हुआ। वहीं मामले की जाँच करने पर कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, वहीं विस्तृत जाँच के लिए 2 सदस्यों की समिति गठित की गई है। खबर गोरखपुर से है जहां कांग्रेस ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर आज देशव्यापी धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसको लेकर गोरखपुर में कांग्रेसियों ने जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया जिससे सड़क काफी देर तक जाम रही, जिसके बाद मौके पर पहुंची भारतीय पुलिस फोर्स ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एरवा कटरा विकास खंड के वार्ड संख्या 32 में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की खाली हुई 3 सीटों पर मतगणना की गई। आपको बता दें कि क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहित सबिता की असमय हुई मृत्यु से सीट खाली हुई थी, जिस पर अंजू देवी 676 मत पाकर विजयी घोषित हुई, जबकि प्रतिद्वंदी प्रत्याशी मुन्नी देवी को सिर्फ 10 मत ही प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में नाराज अधिवक्ताओं ने डीएम की
प्रतिकात्मक शव यात्रा निकाली और डीएम के पुतले को फूका। आपको बता दें कि अधिवक्ताओं का आरोप है कि बैरिया तहसील दिवस पर अपनी मांग को लेकर गए वकीलों के साथ तहसीलदार ने अभद्रता की, जिस पर भड़के अधिवक्ताओं ने तहसीलदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गैर जनपद में स्थानांतरण करने की मांग की। डीएम महोदय का हमने पुतला फूकवाया है, फूका है। ये संगेश चौधरी एक तहसीलदार बैरिया हुआ करते थे, उन्होंने एक अधिवक्ता को 16 जुलाई को उठा करके पटक दिया आम सभा के बीच। तहसील दिवस समाधान दिवस था उस दिन, उसमें हमारे अधिवक्ता महोदय प्रेम कुमार श्रीवास्तव गए हुए थे अपनी मांग को लेकर के, दरखास्त लेकर उनके यहाँ। तहसीलदार साहब उठे और उनके गर्दन में हाथ डाल करके उठा करके। अलीगढ़ में कॉलेजों के फीस और प्रवेश पत्र के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। वहीं एबीवीपी के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने वाइस चांसलर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला, साथ ही छात्रों ने वीसी कार्यालय का भी घेराव किया। एबीवीपी पदाधिकारियों के छात्र छात्राओं ने कॉलेजों में मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाया है। वहीं इसके विरोध में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुलिस फोर्स के साथ आला अधिकारियों को तैनात कर दिया है। देशभर में कांग्रेस महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वहीं सुल्तानपुर जिले में भी विरोध देखने को मिला, जहां जिलाध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस ने कई कांग्रेसियों को गिरफ्तार किया। औरैया के यमुना रोड पर स्थित नगर पालिका परिषद के नुमाइश मैदान पर संचालित टेम्पो ऑटो स्टैंड पर सवारियां बिठाने को लेकर विवाद हो गया। करीब 7-8 लोग आपस में ही नशे की हालत में लाठी डंडे चलाने लगे, जिसको देखते हुए वहां भगदड़ मच गई। इस दौरान 2-3 लोग लहूलुहान हो गए। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया, साथ ही दोनों व्यक्तियों पर शांति भंग करने पर उनका चालान भी किया। मारपीट का वीडियो सामने आया है, क्या मामला पूरा है? ये जो वीडियो है, ये टेलीफोन एक्सचेंज के सामने दो लड़कों द्वारा मारपीट की घटना की जा रही है, गाली गलौज किया जा रहा है। दोनों व्यक्तियों को तत्काल SHO कोतवाली द्वारा मौके पर पहुंच के हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ शांति भंग में चालान किया गया। देवरिया के सुभाष चौक से लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने भारी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने यह प्रदर्शन अग्निपथ योजना को समाप्त करने की मांग को लेकर किया। साथ ही प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी और प्रशासन अधिकारियों के बीच आपस में धक्का मुक्की भी हुई। इस बीच भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हो गई। सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, हम कांग्रेस के सिपाही है, सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, प्रियंका गांधी के सिपाही है, आप इस वक्त लड़ेंगे। खबर आगरा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और 3 दिवसीय इस शिविर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई बड़े मंत्री मौजूद रहे। बता दें इस शिविर का आयोजन 6 अगस्त से 8 अगस्त तक के लिए किया जाएगा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं की भागीदारी होगी। हम प्रत्येक साल प्रशिक्षण वर्ग करते हैं, जैसे कि 14 में किया हमारी 14 में सरकार, 17 में किया तो 19 में किया था, 22 में आप देखने वाले कि वहां हम कर रहे हैं प्रशिक्षण वर्ग, तो इसका हम आपको 24 में, क्योंकि आज युवाओं की बहुत बड़ी फौज है जो आतताई और जो दलित विरोधी और दलित वंचित शोषित विरोधी जो लोग हैं उनको टकराने के लिए युवा खड़ा है। और युवा भारतीय जनता युवा मोर्चा का वो युवा जो आज प्रशिक्षण लेकर जब जाएगा तो हम निश्चित मानिए कि 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बनेंगे। आदरणीय वृक्षित अध्यक्ष मनीष गौतम जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम होने जा रहा है और यह कार्यक्रम आगरा में होने जा रहा है, इसके लिए मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ और निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ आएंगे उनको प्रशिक्षित करने का जो कार्यक्रम किया गया है उन सभी को मैं आने पर शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित ही आगरा में ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा, इसके लिए मैं ऐतिहासिक कार्यक्रम कराने के लिए आदरणीय मनीष गौतम जी को धन्यवाद करता हूँ।
आगामी कजरी तीज मेला और कावड़ यात्रा को लेकर डीएम और एसपी की अध्यक्षता में बैठक की गई। वहीं ये बैठक विकासखंड सरसिया के विभूतिनाथ मंदिर में की गई। साथ ही बैठक में डीएम ने कहा कि मेले में आने वाले मेलार्थियों को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना ना करना पड़े, इसलिए संबंधित विभागीय अधिकारी सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त रखें। अलीगढ़ के कुआरसी थाना इलाके में एक भाई की अपनी मृतक बहन को न्याय दिलाने के लिए भटकने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि भाई का आरोप है कि दहेज लोभी ससुरालियों ने दहेज न मिलने के चलते उसकी बहन की हत्या कर दी। वहीं इस मामले पर ससुरालियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने से परेशान भाई ने एक बार फिर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बाबूराम सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय रेणुकूट के छात्र छात्राओं की ओर से तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा जागरूक रैली निकाली गई। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के प्रबंधक श्री बलवंत सिंह प्राचार्य डॉक्टर जॉली अम्बष्ठा ने की। इसके बाद प्रबंधक महोदय ने नेतृत्व में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने रेणुकूट मस्जिद से प्रारंभ होकर आई हाईटेक कॉलोनी मोड़ तक तिरंगा यात्रा निकालकर जागरूकता कार्यक्रम चलाया। हमारे पास उच्च शिक्षा विभाग से आदेश आया है हर घर झंडा जागरूकता अभियान को चलाने के लिए, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये झंडा अभियान चलाया और ये रैली निकाली है। इसके द्वारा अपने नवयुवकों नवयुवतियों में झंडे के प्रति सम्मान एवं राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए यह झंडा कार्यक्रम और झंडा जो यात्रा है वो निकाला गया। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।